अजमल मैंनेमा दे गए हैं क्रिकेट का जनून आई हो सीजन एट मैच नंबर ट्वेंटी फोर मुलतानबाद इस्लामेड इस्लामाबाद ने ट्रॉफी के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और मुल्तान को बैटिंग करने का दावे दिए और मुल्तान ने बीस ओवर में दो सौ पाँच रंबर पाँच खड़े और मोहम्मद रमान थर्टी थ्री और रोशन ने पंद्रह नंबर आए, इस्लामा की जान शाहराब खान ने दो वसीम जूनियर ने दो और सही मुशर ने एक आउट किया और इस्लामाबाद का दो सौ छः रन का टारगेट मिला जो कि उन्होंने नाइनटीन पॉइंट फाइव में आठ आठ विकटों के पूरा किया फैम फिफ्टी वन और छब्बीस गनों का किया शादाब खान चालीस फोर्टी फोर कोलम चालीस गुरबाज रहमान गुरबाज ने पच्चीस रन बनाए मुल्तान बीमार अनवर अली ने तीन इस ने दो उसमाबी ने दो और अब्बास अफेजी ने एक आउट किया और इस्लामाबाद ने यह मैच सेंचुरी मैच, मैच मुकाबले के बाद दो विकेट से जीत लिया मुल्तान ने बैटिंग अच्छी की बैटिंग उनकी अब श्रॉन्ग है होगी यह टीम डेविड के आने के बाद पहले भी स्ट्रॉग थी अभी भी स्ट्रॉग है ठीक है जी फिर बॉलिंग में शराब ने अच्छी बॉलिंग की वसीम जौनियर को लाया गया अंगो मार पड़ी फैम अश ने अच्छी बॉलिंग की बैटिंग भी अच्छी करके मैच भी के फिनिश करवा के शराब खान ने बैटिंग भी अच्छी कर दी रस्ट भी कर दी कौलम मुनरो फिर हमारे कोई बात मुजान की जाने सली ने अच्छी बॉलिंग की खान ने अच्छी बॉलिंग की अब्बाद हफी को मार पड़ी आखिरी ओवर में इस्लामाबाद को अठारह रन चाहिए जो कि फीम अशरफ ने कर दी है लेकिन एक बात मानने वाली है कि फीम अशरफ अभी जो है ना वो टीम से बाहर है अपनी इंटरनेशनल टीम से है ना क्योंकि उनकी परफार्मेंस नहीं थी तो वो इस इसमें उनका बाहर कर दिया है लेकिन अब ये अभी तीसरा मसलस मैच है कि वो अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच फिनिश करके ले के लेके मतलब मैच फिनिश करके वो मैच विन करवा के जा रहे हैं पहले कराची के ख़िलाफ़ भी इन्होंने ए, मतलब मैच विन करवाया आजम खान के साथ पार्टनरशिप बनाई फिर लास्ट मैच हुआ है कोटा की अगेंस्ट उधर भी फहीमसद ने ही मैच विन करवाया और कल भी फहीमसद ने ही मैच विन करवाया और तीनों मैच में ये मतलब मुख्त्य नंबर आए हैं कराची के अगेंस्ट इनको ऊपर भेजा है ना बचार पे कोई डकेंगे मैच में ये नंबर आठ भी आए थे बैटिंग करने और कल ये आए हैं कल ये नंबर सात में आए हैं बैटिंग करने नंबर आठ भी आए मेरे ख्याल मतलब आसिफ अली के आउट होने के बाद ना ये हो शार खान के आउट होने के बाद मेरे ख्याल एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेकिन ऊपर आए कल भी मैं कल छठे या पाँचवें नंबर पर आए मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है लेकिन इस परफॉर्मेंस के देखते दे हुए अब अफीम मश्रफ को भी वापस टीम में आना चाहिए ठीक है कल आजम खान रन नहीं किए जल्दी आउट हो गए आठे बजे तो वही प्रॉब्लम के एक छक्का लगाया है फिर आउट होंगे मतलब स्लो बॉलिंग खेलनी तेज आएगी तो मारना है स्लो में आउट हो जाना है उसके बाद शराब खान ने रन कर दिए तो बड़ा अच्छा मैच रहा है तो इस्लाबाद ने सीजन खेल मुकाबले के बाद ये मैच जीत लिया अभी तो चौबीस मैच हो चुकी हैं पी एस एल के और पी एस एल सीजन एट के इसमें जितने भी खिलाड़ियों की ये परफार्मेंस आई है ना वो आई है पेशापर के सैम एयूब पेशापा के सैम अयूब की अच्छी परफार्मेंस है मुस्तान सुलान के अच्छी परफार्मेंस है फिर फीम्सों को अच्छी परफार्मेंस दे रहे हैं और उसके बाद अब देख रहे हैं कि अनवर अली भी ठीक हैं तो वह आप देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि पी एस एल के बाद अफग़ानिस्तान की तरफ सही हुआ है तो देखते हैं कि क्या होता है भारत फैम अरस के हक़ में मैं हूँ फैम अरस वाल वसीम को वापस आना चाहिए क्या दोनों दोनों दोन किस सेंटर के हक़ में हैं अगर हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में तो बता दीजिएगा थैंक यू अलाफ़ी